पिछले वीडियो में हमने मेथड ऑफ सेक्शन की बात की थी, ट्रस को कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें मेथड ऑफ सेक्शन देखा था। तो उसी में मैंने आपको दो रूल बताए थे जो कि मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन दो रूल की हेल्प से आप 5 to 10 सेकेंड में ट्रस के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैंने ऐसा एग्जाम्पल ये कि आपको समझाया हुआ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि पहला आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि मेंबर FAD DA मतलब फोर्थ पूछा हुआ है DA मेंबर में। तो अगर आप उसको मेथड ऑफ सेक्शन से कन्वेंशनल तरीके से जॉइंट लेके सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप इसको, मैंने जो आपको दो रूल बताए थे उसमें थर्ड रूल जिसमें यूज़ होगा, डी पॉइंट को आप देखिए, डी जॉइंट पे आपको तीन मेंबर फोर्स आके मीट कर रहे हैं। इसमें से FDB और FDC जो फोर्स है वो कोलिनियर है, तीन फोर्सेस आके एक जॉइंट पे मीट कर रहे हैं और दो फोर्सेस कोलिनियर, यानी थर्ड मेंबर में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, यानी FAD इक्वल टू जीरो होगा। तो डायरेक्ट आपका इसका जो सॉल्यूशन है वो जीरो आ गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मेंबर BD में फोर्स निकालना है, लेकिन इसमें बी मेंबर पे, बी जॉइंट पे जो है 40 kN का एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगेन बी जॉइंट को लेके सॉल्व करेंगे तो आपको देखेगा समेशन ऑफ वाई फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जीरो किया तो FVD को जो बैलेंस, 40 kN को जो बैलेंस करेगा वो FVD होगा। तो FVD का आंसर जो आ जाएगा वो 40 kN आएगा, लेकिन 40 kN इसमें ऊपर की तरफ एरो आ रहा है यानी अवे फ्रॉम द बोल्ट आ रहा है, तो 40 kN जो है वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे, अगले न्यूमेरिकल में जो है आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इसमें FDC मेंबर में फोर्स पूछा हुआ है। तो आपको अगर डी मेंबर को जॉइंट को लेकर सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर मैंने इसको आपको पिछले जो वीडियो में बताया था थर्ड ऑफ फोर पॉइंट, और इसमें फोर्थ पॉइंट का यूज़ होगा। फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया था अगर कोई टू नॉन कोलिनियर मेंबर फोर्सेस आके एक जॉइंट पे मीट कर रहे हैं और उनमें कोई एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है उस जॉइंट पे, तो दोनों मेंबर में जो फोर्स है वो हमारा जीरो होता है। तो इसी रूल का यूज़ करेंगे। सी पॉइंट पे देखिए आप, दो मेंबर फोर्सेज आके मीट कर रहे हैं FCD एंड FCB, और सी जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, तो हमारा FCD और FCB दोनों में जो फोर्स होंगे वो जीरो होंगे। अब हमारे इन दोनों मेंबर में फोर्स हो गए तो हम डी जॉइंट को देखते हैं। डी जॉइंट में क्या है, अब हमारे पास तीन मेंबर आके मीट कर रहे हैं, DC, DB और DA। इसमें से हमारा DC जो है वो जीरो हो गया है, तो हमारा लोड बचा है 20 kN और FVD जो है हमारा वो कोलिनियर है, और तीसरा जो एक्स्ट्रा मेंबर बचा है वो DA है। तो 20 kN और FDB जो है हमारा कोलिनियर है, और थर्ड मेंबर DA जो है हमारा, तो उसमें हमारा फोर्स जो है जीरो हो जाएगा थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा ऐसे हमने थर्ड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया। इसी तरह हमने सारे मेंबर में फोर्सेस निकाल लिए विद इन अ 10 सेकेंड। इसी तरह से इसी न्यूमेरिकल में हम फाइंड करने चाहे सपोर्ट रिएक्शंस, तो सपोर्ट रिएक्शन में जब हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो लगाते हैं, मोमेंटम समेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू जीरो जो करते हैं इक्वेशन में, तो हम जो मोमेंटम लेते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस का लेते हैं ओनली, क्योंकि इंटरनल मेंबर फोर्सेस में, इंटर मेंबर में जो फोर्सेस होते हैं ट्रस में वो जीरो होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसलिए हम जो मोमेंटम इक्वेशन में जो फोर्सेस कंसीडर करते हैं वो एक्सटर्नल लोड कंसीडर करते हैं केवल। इसी तरह से हम मोमेंटम बी के अबाउट मोमेंटम लेंगे तो RA इंटू 2 माइनस, अब 20 kN फोर्स जो है 45 डिग्री पे एंगल पे लग रहा है, क्योंकि जो टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, टू वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये मेंबर का 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ से हमारा जो लोड है, मोमेंटम इक्वेशन है, वो हो जाएगा 20 sin 45 इंटू 2 प्लस 20 cos 45 इंटू 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो हमारे RA की वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। और हमने अगर समेशन, अब यहाँ पे हिंज है, हिंज सपोर्ट है, तो दो रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को सिर्फ 20 kN का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, और इसमें हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर दिया है, वहाँ से हमारे HA की वैल्यू आ गई, HA की वैल्यू आ गई -20.2 kN। माइनस साइन सिर्फ इतना शो कर रहा है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी राइट डायरेक्शन में,
वो हमारी रॉन्ग है, हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी यानी अवे फ्रॉम द जॉइंट होगी, तो टेंसाइल फोर्स होगा। इसी तरह से हम आर भी सम फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, आर एच तो जीरो है ही है, तो हमारा आर बी की वैल्यू हो जाएगी 20/√3 किलो न्यूटन।